दूध व्यापारी पर जानलेवा हमला हुआ है। दुकान में घुसकर लोहे की रॉड से दूध व्यापारी पर हमला किया गया और मारपीट की गई। सीसीटीवी में ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में दोनों युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर मारपीट की गई है। लोहे की रॉड और करछी जो है वो भी यहाँ पर नज़र आ रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में पिटाई की गई है और दोनों युवकों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जिला अस्पताल में जो दूध व्यापारी हैं उनके ऊपर यह हमला हुआ है। देख सकते हैं तस्वीरों में दो लोग मिलकर पीट रहे हैं। सीसीटीवी यहां जो लगा था उसमें पूरी ये घटना कैद हुई है। मारपीट की गई है, पटक पटक कर मारपीट की गई है। और देखिए जो करछी दूध व्यापारी जिसका इस्तेमाल अमूमन करते हैं उसी से पीटा गया है। फिर बाद में एक महिला यहां पर पहुंचती हैं और वो इनसे ये लेती हैं। और फिर आशुतोष पुरोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशुतोष, पूरी घटना के बारे में जानकारी दीजिए, क्यों मारपीट ये हुई है? गिरफ्तार तो हो ही चुके हैं आरोपी। पुनीत जी एक बार फिर से सवाल कीजिए। आशुतोष, ये दुग्ध व्यापारी से जो मारपीट की गई है ये मारपीट क्यों हुई है? आरोपी तो दोनों गिरफ्तार कर लिए गए लेकिन मारपीट क्यों हुई? पुनीत जी मैं बताना चाहूंगा, खरगोन जिले का भीकन गांव थाना है, यहाँ पर दूध के एक व्यवसायी है। उनके यहाँ ये दो युवक जिनको गिरफ्तार किया गया, ये दूध लेने गए थे। इनका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दूध का पैकेट जो दुकानदार ने बंद कर दिया गया था, इस दौरान जो पैकेट का दूध ये लेना चाहते थे, इस दौरान इनका विवाद हुआ और विवाद के चलते हुए मारपीट की। उन्होंने जिस तरीके से सीसी फुटेज में आप देख सकते हैं, दस में मारते हुए कह गए, उसको लेकर पुलिस भीकन गांव पुलिस ने दोनों युवकों को सीसीटीवी फुटेज आने के बाद गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनका बताया जा रहा है क्या? हमारी पुलिस अधिकारी से बातचीत हुई है, ऐसा कोई पुराना रिकॉर्ड तो नहीं मिला है, लेकिन इनका दूध जो मूल रूप से बात सामने आ रही है वो दूध को लेकर आ रही है। ये चाहते थे कि उनको जो पैकेट का दूध दुकानदार हमेशा उपलब्ध कराता था वो उपलब्ध नहीं करा। इस दौरान इनको बातचीत के दौरान विवाद हुआ और विवाद जो है लड़ाई झगड़े में तब्दील हुआ और इनने उसके साथ मारपीट की। गंभीर होने पर उसको जिला अस्पताल खरगोन उपचार के लिए भेजा गया है व्यापारी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बताइए, बहुत सामान्य सी बात पर, ये दूध पैकेट वाला दूध देने की बात पर मारपीट हुई। इंदौर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। बाइक सवार दंपति को कार ने टक्कर मारी और उसके बाद ये कार जो है भाग निकली, कार को दौड़ा कर ले गया, बोनट पर बाइक सवार लटकरा। देखिए ये तस्वीरें भी आपको हम ये दिखा रहे हैं। तो पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बोनट से गिरने के बाद कार ने युवक को कुचला, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद है। MY अस्पताल में घायल को भर्ती कराया गया है। देख सकते हैं, देखिए भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है और उस पर पहले टकराया, उसके बाद उसे बुरी तरह से कुचल दिया गया और फिर एक वाहन आगे निकल गया। खरगोन